श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अथ एकोनविंशोऽध्याय हिरण्याक्षवध। मैत्रेय उवाच अवधार्य विरिञ्चस्य निर्व्यलीकामृतं वचः प्रहस्य प्रेमगर्भेण तत्पाङ्गेण सुगृहीत ततः सपत्नं मुखतश्चरन्तं कुतो भयं जघानुपत्य गदया हनावसुरमक्षजः सहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विघूर्णिताभूतद्रेजे ततदभूतमिवाभवत् स तदा लब्धतीर्थोऽपि न बभाजे निरायुधं मानयन् समृधे धर्मं विश्वक्सेनं प्रकोपयन्। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृत मैं वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम के कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई, उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर धर्म युद्ध का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदायाम पविध्यायाम हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्धर्मम सुनाभम चास्मर द्विभुः तम व्यग्रचक्रम दिति पुत्राधमेन स्वपार्षद मुख्येन विसज्यमानम चित्रावाचो तद्विदां खेचराणां तत्रास्मासन स्वस्ति तेमुं जिहिति सतम निशम्यातरथांगमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्श परिलोप्तेन्द्रियो रुषा स्वदन्तच्छमादशच्छस्वसन करालदृष्टं चक्षुर्भ्यां संचना संचक्षाणो दहन्निव अभिलोप्य स्वगदया हतोऽसीत्याहनद्धरीं पदासव्येन तां साधु भगवान यज्ञसूकरः लीलया मिषतः शत्रो प्राहरद्वातरं हसम् आह चायुधमाधस्त्वं घटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन् व्यन ददभृशं तामसवापततिं वीक्ष्य भगवान् समवस्थितः जग्राह लीलया प्राप्तां गरुमा गरुत्मानिव पन्नगीं स्वपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः नेच्छद गदां दीयमानां हरिनाम विगत प्रभः जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्जलनं लोलुपं यज्ञाय धृतरूपाय विप्रायाभिचरण यथा। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन श्रीहरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिल मिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा।
उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर ले अब तू नहीं बच सकता इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञ मूर्ति श्री वरा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी हुआ वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा अरे दैत्य तू मुझे जीतना चाहता है इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिन को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार मारण आदि प्रयोग करे मूठ आदि चलाए वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लप लपाता हुआ त्रिशूल लिया। तदोजसा दैत्य महाभटार्पितम् चक्रासदन्तः खः उदीर्ण दीदिति चक्रेण चिच्छेद निशात नेमिना हरिर्यथा तारक्ष्यपत्र मुञ्जितम् व्रणे स्वशूले बहुधारिणा हरे प्रत्यय विस्तीर्ण मुरो विभूतिमत् प्रबद्ध रोषः स कठोर मुष्टिना नदन प्रहत्यांतरधीयतासुर तेनेथ्य माहत छत भगवानादिशुकर नाकंपतमनाक त्वपी स्रजाहत इव द्विपह अथोरुधा स्रजन्मायाम योग माएश्वरे हरो याम प्रलोक्य प्रजास्त्रस्ता मेनिस्योप संयम संयमम प्रवुर्वाय वश्चंडास्तम पांसव मैरयन दिग्भो निपेतुर्ग्रावाण क्षेपणे प्रहिताइव द्योर्नष्ट भगणाभ्रोधे भ्रोगे स विद्युत्स्तनयु यीत्नुभिः वर्षद्वि पूय केशास्रग्नीनमूत्रा स्थिनी चासकृत गिरय प्रत्यद्रश्यन्त नानायुध मूचो नघ दिग्वाससो यातुन्धान्य शूलिन्यो मुक्तमूर्धजा बहुर्भिक्षरक्षरक्षोभि प्रत्यश्वरथ कुञ्जरहे आततायी भीरुसृष्टा हरिंस्त्रा वाचोति वैशसहा प्रादुष्कृतानाम मायानामास सुरीणाम विनाशयत सुदर्शनास्त्र भगवान प्रायुंगत दैतम त्रिपात। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। तब भगवान ने उसे अपनी तीखी धार वाले चक्र से इस प्रकार काट डाला जैसे इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। एक बार गरुड़ जी अपनी माता विंता को सर्पों की माता कद्रु के दासी पने से मुक्त कराने के लिए देवताओं के पास से अमृत छीन लाए थे। तब इंद्र ने उनके ऊपर अपना वज्र छोड़ा। इंद्र का वज्र कभी व्यर्थ नहीं जाता इसलिए उसका मान रखने के लिए गरुड़ जी ने अपना एक पर गिरा दिया उसे उस वज्र ने काट डाला। ये एक बीच में छेपक कथा थी। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देखकर उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर विशाल वक्ष स्थल पर जिस पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है कसकर घूंसा मारा और फिर बड़े जोर से गरजकर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी जैसे हाथी पर पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता उसी प्रकार उसके इस प्रकार घुसा मारने पर भगवान वारा आदि वारा तनिक भी तस से मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा जिसे देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी जो ऐसे जान पड़ते थे मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों।
बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य चंद्र आदि ग्रह छिप गए और उनसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी, ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो काटो काटो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वाराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। तदादिदे समभवत्सहसा हृदि वे पथु स्मरन्त्या भर्तुरादेशम स्तनाचाश्रक प्रसूस्त्रुवे विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवं रुषोपगूहमानो मु ददृशे वस्थितं बहि तं मुष्टिर्भिर्विनिघ्नतं वज्रसारेरधोक्षजः करेण कर्णमूलेहन यथा त्वाष्ट्र मरुत्पति साहतो विश्वजिता ह्यवज्ञया परिभ्रमद गात्र उदस्त लोचनः विशीर्ण वावंग घ्री शिरोरुहो पतद यथा नगेन्द्रो लुलितो नभस्वता चितो शयानं तमकुंठ वर्चस करालद्रष्टं परिदष्ट दच्छनदं अजादयो वीक्ष्य शशंसुरागता अहो इमा को नु लभेत संस्थितिं यं योगिनो योगसमाधिनारहो ध्यायन्ति लिंगादसतो मुक्षया तस्येष दैत्यऋषभ पदाहतो मुखं प्रपश्यन्स्तनु मूर्त्ससर्जः एतो तो पार्षदावस्य शापाध्याता वसद गतिं पुनः कतिपये स्थानं प्रपस्येतेह जन्मभि नमो देवाऊचुः नमो नमस्ते खिलयज्ञ तन्तवे स्थितो ग्रहिता मलसत्वमूर्तये दृष्ट्या हतोऽयं जगता मरुन्तुद स्वत्वत्पादभक्त्या वयमीश निवृतः। मैत्रे उवाच एवं हिरण्याक्षं ह्य विक्रमं ससादयित्वा हरिरादि सूकरः जगाम लोकं स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पुष्कर विष्टरादिभिः। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दिति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर का पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्वविजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वहाँ युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगीजन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों से में ये फिर अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारम्बार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया।
अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मया यथानोक्तम मवादिते हरे कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम यथा हिरण्याक्ष उदार विक्रमो महामृधे कीर्णन वन्नीराकृतः। सूत उवाच इति कौशारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथां श्रद्धानन्दं परं लेभे महाभागवतो द्विज। अन्येषां पुण्यश्लोकानामुद्दामये यशसां सताम् उपसृत्य भवेन्मोद श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः योगजेन्द्रं जशग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजं कोशन्तीनां करेणूनां क्रच्छन्तो मोचयद द्रुतुम्। तम सुखाराध्य मृजूभिरन्नन्यशरणेन्नभिः कृतज्ञको न सेवेत दुराराध्यं साधुभिः। यो वै हिरण्याक्षवदं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणसूकरात्मनः शृणोति गायत्यनुमोदतेऽञ्जसा विमुच्यते ब्रह्मवदादपि द्विजः। एतन्महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्वं पद्मायुराशीषां प्राणेन्द्रियाणां युधिं शौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्गश्रण्वताम्। भगवान अवतार लेकर भी जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, यह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तुम्हें सुना दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्रीवत्सधारी भगवान की ललित ललाम लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्रह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथनियां दुख में चिंघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से सहज में ही प्रसन्न हो जाते हैं किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला कौन ऐसा पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। शौनकादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुवर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष वधो नाम एकोनविंशोऽध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा।